कर्पूरी जी को तो हम लोग याद करते ही हैं, श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हैं, और हम लोग तो कर्पूरी जी के अंगवाई लोग, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको तो इस बात का पता होना चाहिए कि कर्पूरी जी ने क्या क्या संघर्ष किया, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिला है। फिर भी पर्याप्त नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है, और लड़ाई जो है अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा और अधिकार को लिया जाएगा। तो इसमें खुशी इस बात की है कि लंबे अरसे से हमारे दल की, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी की, कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की और स्वयं मेरी भी ये चाहत रही है और ये मांग रही है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो वंचित शोषित समाज के सबसे बड़े पैरोकार रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे ही, बड़े समाजवादी भी नेता रहे, कि उनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। और आज खुशी है इस बात को लेकर के कि आज भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा। तो आज हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मांग की, और जब भी कर्पूरी जी की जयंती को मनाया गया, पुण्यतिथि को मनाया गया, या कहीं भी समाजवादियों ने कभी भी कोई भी बैठक में बुलाया, मीटिंग में बुलाया, तो लोगों की ये चाहत रही है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज जो है उनको भारत रत्न मिला है, तो इसकी बड़ी खुशी है। और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप लोगों को देना चाहते हैं, खास तौर पर बिहार की जनता को देना चाहते हैं, बिहार के समाजवादी विचारधारा को जो जानने वाले लोग हैं, जो अंगवाई लोग हैं, उनको देना चाहते हैं। आदरणीय लालू जी का संघर्ष रहा, उनके नेतृत्व में लालू जी ने काम किया, और बाद में लालू जी ने उनकी जगह को लिया, लोगों ने उनको स्वीकार किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, नेता विरोधी दल बनाया, और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। लोग कह सकते हैं, लोग मानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, उस ज़माने में कोई छोटी जाति के लोग हों तो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआँ से पानी जो नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश से मनाही थी, और बड़ा मजदूरी लोग कराता था, लेकिन उस हिसाब से पैसा गरीबों को नहीं देते थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, उस समय सभी नेताओं ने लड़ने का काम किया। तो हम आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने तो पुरानी मांग रही है, लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो है जन जन तक पहुंचाया और लोगों में ऊर्जा देने का काम किया, एक चेतना पैदा करने का काम किया कि अपने अधिकार को जानो। आज बिहार में कहीं भी गरीब तबके में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, अति पिछड़े समाज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वंचित शोषित समाज के बीच जाइए, अगर पूछिएगा कि आपको जुबान किसने दी, तो एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव। तो इसके लिए ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो लालू जी ने करके दिखाया, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के पुत्र हैं, और हम इतने गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पिता कर्पूरी जी के नेतृत्व में भी काम किए हो। तो ऐसा सौभाग्यशाली मेरे से ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारा क्या काम है, हम तो भाई
जो उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तो जितने हमारे नौजवान साथी हो, आप लोगों का साथ चाहिए, और जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हो, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने संप्रदाय चक्कियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा था, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है, ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे थे भारत सरकार जो है, अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है, लेकिन ये आप लोगों के ताकत के वजह से है। और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन मनाते हैं, एकजुट होते हैं, समाजवादी परिवार एक होते हैं, भाजपा जाति है, जाति आधारित गणना कराई जाती है, देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो बिहार ने आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया, ये जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। और आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा, वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था, ये है समाजवादियों की जीत। अरे ये बिहार है बिहार, हम लोग पहले भी कहते कि उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो ये लोग तो कहता रहता है, चलिए अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देश अवेर हम लोग लड़ेंगे और ले करके रहेंगे, उनको दिलवाया जाए। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है, और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, तो उसमें हम लोगों ने मांग भी की थी, प्रधानमंत्री जी से हमने मांग भी की थी कि आए तो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो इसकी शोभा भी बढ़ेगी कि अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देते हैं। तो उस समय तो खैर कोई इसकी बात जिक्र भी किसी ने कोई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देर ही समझ लोगों को इस बात पे आ रहा है कि भाई बिहार की राजनीति तय करने वाला अगर कोई है तो समाज